अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने शावर ले लिया है और आज मैं उस कमरे में व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर होता है, सामने वालों ने आज टीवी ऑन किया हुआ है और फुल आवाज खोल, जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ पे खड़े होकर व्लॉग करना पड़ा है इस रूम में। वैसे इस रूम में यह है कि ज़्यादा शोर नहीं होता तो ये ज़्यादा सही है, और दूसरा यहाँ पे मैं ज़ोर से भी बोल सकती हूँ तो किसी को आवाज़ नहीं जाएगी। और उसके अलावा जी आज मैंने नहाने के फ़ौरन बाद थोड़ा कम्फी होने के लिए टी शर्ट पहन ली, और ये मेरी न्यू टी शर्ट है जो कि मैं लेकर आई थी कुछ मंथ्स पहले, लेकिन मैंने पहनी नहीं थी, जिम में पहन के गई थी लेकिन मैं घर में नहीं पहनी। अब मैंने कुछ रिलैक्स फील करने के लिए घर में पहन ली, और इसके बाद मैंने नियॉन कलर का ट्राउज़र पहना है, ट्राउज़र आपको दिखा देती हूँ। वही सिंपल कैप्री जो कि मैंने अपने बहुत सारे कपड़ों के साथ, बहुत सारे शर्ट्स के साथ पहने हुए हैं, ब्लैक वाइट जिसके साथ दिल करता है उसके साथ पहन लेती हूँ। तो अब जी हम यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ कर बात करते हैं। ये वाला चश्मा यार मेरा बहुत फेवरेट है, दिखाती हूँ इसको पहन के। तो ये कुछ इस तरह के लुक्स पे आता है और ये मुझे बहुत पसंद है, और मेरी आपी का भी बहुत फेवरेट है। बट खैर ये मैं एडिटिंग जब करूँगी तो तब लगाऊँगी क्योंकि अभी मेरी आंखें बिल्कुल सेफ हैं। वैसे एक फ़ोन की लाइट पड़ रही है, उसके अलावा बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरा मूड, बस मेरा मूड 50-50 है, इतना ना कोई ज़्यादा, इतनी ना ज़्यादा कोई खुशी ना ही कोई इतनी ज़्यादा सैडनेस, बस जो हो रहा है ठीक है, बस जैसे भी है ना, जैसे भी है बस। मैं अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस ठीक हूँ मैं, बस इतना मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ अब, और बस इतना ही काफ़ी है। जैसे भी वक्त गुजारा है, क्योंकि वक्त ही गुजारना है ना यार, ज़िंदगी ही गुजारनी है, तो गुजर रही है, सही गुजर रही है, जैसे गुजर रही है ठीक है। तो अब बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, सैडनेस हैप्पीनेस इस पे मेरा फोकस अब बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा फोकस अब इस पर है कि मैं क्या काम करने हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैंने अचीव करना है, और किससे मेरे अपने खुश होते हैं। तो अब मेरा सिर्फ इस चीज़ पे फोकस है अपनी ज़िंदगी में, तो अब मैं इस पे ही फोकस रखूँगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा जी मैं आपको नाश्ता दिखा देती हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, बल्कि नाश्ता तो सच मैंने आज रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने नाश्ता आज किया था अंडा पराठा और साथ चाय, रिकॉर्ड नहीं कर सकती बट मैं। और बाल मेरे अभी गीले हैं तो बाल मेरे थोड़े सूख जाएँ तो फिर मैं कंघी करती हूँ, और ऑयलिंग मैं वही वाले ऑयल को यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ऑयल बनाया था। अभी तक वीडियो मैंने नहीं डाली, शॉर्ट मैंने नहीं डाली, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आज एडिट कर लूँ तो मैं कल उस वीडियो को भी डाल दूँ। बल्कि मुझे याद आया कि मैं कल नहीं डाल सकती क्योंकि उसके 2 या 3 शॉर्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगी तभी मैं डाल सकती हूँ। तो जब रिकॉर्ड हो जाएंगे तो मैं एडिट करके डाल दूँगी। ओके बाय, बाद में बात करती हूँ, मैं थक गई बोल। अच्छा तो मैंने मसाला तैयार कर लिया हुआ है, ये है टमाटर प्याज और इसमें अदरक और लहसुन, ये सारा मसाला मैं ब्लेंड करूँगी और उसके बाद गर्म घी में डाल दूँगी, ठीक है। और इससे पहले मैं बना रही थी ये, इससे पहले मैं ना पालक बना रही थी, तो लेकिन जब मैंने देखा कि पालक की तो कंडीशन ही बहुत सीरियस हुई हुई है, तो मतलब सारे गल चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा कि स्विच करते हैं, और स्विच ऐसे करते हैं कि हम पालक को छोड़ के, पालक क्योंकि सारी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम आलू अंडे बनाते हैं, तो अब मैं आलू अंडे बना रही हूँ। अब जी सब ने खाना खा लिया है, सिर्फ मैं बाकी रह गई हूँ, और मैंने आलू अंडे बना लिए हुए थे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो जी ये रहा मेरा अंडा एक और बाकी सालन, और ये मेरी रोटी पक रही है, बिल्कुल छोटी रोटी बनाती हूँ मैं। जो कि वॉश होने वाले हैं बहुत सारे हैं, जिनमें से ये अलग धुलेंगे और बाकी सारे वाइट्स हैं बहुत सारे हैं। तो कपड़े धोना स्टार्ट करते हैं, ये 20 वाला पैकेट है जो कि मैं 2 टब में डाल के यूज़ करूँगी, हाफ इसमें और हाफ इसमें, फिर भी थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा सर्फ नहीं यूज़ करना चाहिए। अब ये जो बड़ी टब है इसके अंदर हम पूरा पैकेट डाल देंगे क्योंकि वाइट कपड़े ज़्यादा हैं। अब ये सारे वाइट्स इसमें भिगो दूंगी और पूरा ओवरनाइट इसको सॉक होने दूंगी, सुबह मॉर्निंग में मैं इनको वॉश करूंगी। उसके बाद जी मैंने वॉक की थी 35 मिनट्स की, और बहुत चिल आउट फील किया था ये। ओके तो जी व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी व्लॉग एडिट किया, 4 मिनट 59 सेकंड्स का व्लॉग हो चुका है, तो व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग।
अगर नहीं पसंद आना ना आप लोगों को व्लॉग, तो फिर भी पसंद करो, क्योंकि नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आप लोगों के पास। पसंद करो यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।